हाय पाइसीज एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। तो पाइसीज आज कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग। ये पर्टिकुलर रीडिंग पाइसीज सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1st to 14th of February 2023 है। ऑल राइट, तो अपना मून और राइजिंग साइन पता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप विजिट करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। ओके, तो पाइसिस आपका थीम कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड दो डू कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड अपराइट, डोंट हैं, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्स रिवर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसिस पेज ऑफ सोर्ड्स की अगर हम बात करें, पेजेस मैसेंजर कार्ड होते हैं, पेजेस तो न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताते हैं, राइट। एंड सोर्ड्स की एनर्जी स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही होती है, राइट। बट यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है, आई थिंक यहाँ पे कम्युनिकेशन, द वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। आपके कम्युनिकेशंस में मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी स्फेयर में हो आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं एंड आप दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप ये भी कर दोगे, वो भी कर दोगे, वो भी कर दोगे। बट एक्चुअल में जब ये चीज़ें फुलफिल, जो आपने कमिटमेंट और प्रोमिसज फुलफिल प्रोमिसज किए और बाद में अगर आप फुलफिल नहीं कर पाए जिस भी टाइम फ्रेम में आपने प्रोमिसज किए हैं, तो ये फिर आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत ख़राब रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोमिसज बहुत कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब यू आर ऑल टॉक एंड अभी आप, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जैसे एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, कमिटेड एक्शंस की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा बातें बहुत हो रही हैं लेकिन काम कम हो रहा है, ऐसी एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर डू के अगर हम कार्ड देखें, सिक्स ऑफ सोर्ड्स से क्लियर मैसेज है कि आपके लिए कुछ ट्रैवल के ट्रैवल जैसा इस टाइम में आपको मौका मिल सकता है, आपको अपने ओल्ड बैगेजेस को क्लियर करने का मौका मिल सकता है, आपको ऐसी अंदर से इच्छा हो सकती है कि यार जो ऑब्सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो करना चाहिए। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की एनर्जी डिपेक्ट करता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है तो यहाँ पर बातों में कोई उलझा रहा है लेकिन उन बातों में कमिटमेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पर थोड़ा सा जजमेंटल, जैसे कोई किसी को जज कर रहा है, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए सजेशन है कि अगर इस एनर्जी, ऐसी एनर्जी में हो तो प्लीज़ इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही रेपुटेशन को ख़राब करने वाला है ये प्रोसेस, ये पैटर्न। ऑल राइट, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली थिंक करो, आप इमोशनल क्लाउड में बह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है गॉसिप यहाँ पर, जैसे आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आप बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो, वो भी नेगेटिवली, किसी के लिए बहुत ख़राब बातें बोल रहे हो। आई एम सॉरी इफ इट इज़ ट्रिगरिंग बट दिस इज़ वट क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स इज इंडिकेटिंग हियर, ठीक है। तो नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं, इमोशंस में बह के गलत बातें नहीं करना। ऑल राइट, अभी यहाँ पर अगर हम डोंट्स का कार्ड देखें तो किंग ऑफ वॉन्स है रिवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे वॉन्स के हैं दोनों कार्ड, के आपके पूरे स्प्रेड में सोर्ड्स और वॉन्ड ही आए हैं। तो बहुत ही इमोशनली मोटिवेटेड ये मुझे लग रहा है स्प्रेड, हाई ऑन इमोशंस रहने वाला है शायद बहुत सारे पाइसिस के लिए ये टाइम फ्रेम, ठीक है। लेकिन हाँ, हम किंग ऑफ वॉन्स की बात कर रहे थे, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ वॉन्स की बात करेंगे। तो थ्री ऑफ वॉन्स रिवर्स में अगर है, अगर थ्री ऑफ वॉन्स अपराइट होता है तो इट शोज न्यू अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के तरीके, प्रोग्रेस, न्यू एंटिसिपेशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना। बट रिवर्स में यहाँ पर बैरियर लग जाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है किसी तरीके की, और ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस करा सकती हैं,
ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। और अगर ये ऑफिस सेटअप में, तो हो सकता है आपका ऑफिशियल सेटअप में अपने बॉस से कुछ अनबन या कहा सुनी भी हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे ख्याल से अगर आप अपने प्लान्स जो आपने करे हैं, आपने अपने लिए एक टाइमलाइन दी है, कोई डेडलाइन दी है, और वो आप काम नहीं कर पा रहे हो, ऑब्स्टिकल उसमें आ रहा है मान लीजिए किसी भी तरीके के काम में, तो आई थिंक यहाँ पर एक पुअर प्लानिंग का भी इंडिकेशन है। शायद वही कि आप बातें करने में, सोचने में, प्लान करने, मतलब सिर्फ एंटिसिपेशन करने में ज़्यादा रह गए, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। लेट से आपको कोई प्रोजेक्ट 30 डेज में करना है, तो आपके लिए, आपके पास हर वीक का एक एंड गोल होना चाहिए, राइट? आप 30th डे पे तो नहीं सारा काम कर सकते ना। तो यहाँ पुअर प्लानिंग भी इंडिकेशन कर रहा है। अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन आपके सामने आए जहाँ पे आपको कमिटमेंट करके कुछ चीज़ डिलीवर करनी है, तो मेरा ये एडवाइस है कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप अपना आगे प्रोग्रेस करें उस एक्शन पे, उस प्रोजेक्ट पे, कुछ भी, जो भी काम है ये, ठीक है? एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर हम नेचुरल, मतलब अपराइट देखें, तो बहुत ही विजनरी एक नेचुरल लीडर दिखता है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। बट यहाँ पर क्योंकि रिवर्स आ गए हैं, तो ये जो जो पॉजिटिव ट्रेड्स थे ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरह देखे जाते हैं। फिर कोई बहुत ही ओवर कंट्रोलिंग हो रहा है, मतलब आप किसी को भी क्रिएटिव स्पेस नहीं दे रहे हो, चाहे ये ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स में हो गए या घर में बातचीत करना हो गया अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, तो आप ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हो, मतलब आप थोप रहे हो अपनी ही विचारधारा दूसरों पर, ऐसा लग रहा है। आई थिंक शायद आप परफेक्शन के साथ काम करना चाह रहे हो, ओवर परफेक्शन की वजह से भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, और वो परफेक्शन ढूंढते ढूंढते शायद आप डेडलाइन भी मिस कर जाओ, टाइमलाइन भी मिस कर जाओ। लेकिन यहाँ पर ना देखो, परफेक्शन, नथिंग इज परफेक्ट। आई थिंक परफेक्शन इज अ मिथ, माई पर्सनल थिंकिंग इज दैट वे, बट एक्चुअली यू शुड डू योर बेस्ट इन एवरी थिंग, ठीक है? लेकिन परफेक्शन का स्टैंडर्ड किसको परफेक्ट मानोगे, किस एंगल से परफेक्ट मानोगे? जो चीज़ आपके लिए परफेक्ट है, किसी दूसरे पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं है। द आइडिया ऑफ परफेक्शन इज वेरी सब्जेक्टिव। तो द थिंग इज कि आप 100% डेडिकेशन से अपना काम करो, चाहे वो स्टडीज में है, चाहे आपका कोई गोल है लाइफ को लेके, आपका करियर गोल है, आपका फिटनेस गोल है, आपका ऑफिस से रिलेटेड कोई, मतलब आपका प्रोजेक्ट गोल है, ठीक है? तो उसको में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। एक कोई पेडिस्टल पे मत रखो किसी चीज को कि ऐसा होगा तो ही परफेक्ट है, ओके? तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की भी जरूरत है आपको यहाँ पे पाइसिस। ओके, फाइनली देखेंगे कि ओरेकल से क्या गाइडेंस है। पाइसिस, एक बार मुझे शफल करने दें। पाइसिस सन मून राइजिंग टू कार्ड्स प्लीज, दो गाइडेंस कार्ड पाइसिस के लिए। पहला आया है एक्शन, बैलेंस। यहाँ पर आप देख रहे हो दो तरीके के घोड़े हैं यहाँ पे, तो जो भी एक्शंस है ना, उनमें बैलेंस लाने को कहा जा रहा है। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो मैन होल्डिंग अ कॉइन रिवर्स में ये आपको ही बता रहा है, मनी मैटर्स में स्पेसिफिकली या फिर हेल्थ मैटर्स में आप खुद के ही अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ये जो आपके एक्शंस है ना, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, बट एक्चुअल में मैंने कहा ना कि आप क्योंकि किसी को भी क्रिएटिव स्पेस नहीं दे रहे हो, अपनी अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहे हो, तो आई थिंक ये जो आपके एक्शंस है, अगर इसमें आप बैलेंस नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन आपके अगेंस्ट में ही काम करेंगे। आपको बहुत कॉन्शियसली, आई थिंक यहाँ पर इस पूरे टाइम फ्रेम में आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना पाइसीज, वो आप खुद हो, आप खुद हो। ये ट्रिगरिंग भी हो सकता है, बट आपको अपने थॉट पैटर्न्स में, दिस इज़ हाई टाइम कि आपको चेंजेस लाने चाहिए। ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हैं, दूसरों को क्रिएटिव स्पेस देते हैं, दूसरों की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो करियर में हो, ऑफिशियल सेटअप में हो, कैजुअल सेटअप में हो, फैमिली में हो, लव रिलेशनशिप हो। अदरवाइज आपके एक्शंस आपके लिए नेगेटिव उसमें काम करने वाले हैं, नेगेटिव तरीके से।
ठीक है, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप अपनी हैबिट्स में यहाँ पे सुधार लाने की कोशिश करें। ओके पाइसिस, तो ये कुछ मैसेजेस थे, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें, और फ्यूचर में अगर ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, और आप अपना भी सन मून राइजिंग तीनों साइंस ज़रूर चेक करें टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ओके, जिससे कि आपको पता चले आपके फेवर में इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं और कौन सी एनर्जीज़ आपके अगेंस्ट में काम कर रही हैं, जिससे कि आप पूरा 100% इन एनर्जीज़ को यूटिलाइज कर पाएँ अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड बाय बाय।